चरखी दादरी पुलिस एक बार फिर सुर्खियों में है। प्रेम विवाह करने वाले दंपति को गोली मारने के मामले में आरोपी पक्ष की ओर से पुलिस पर संगीन आरोप लगाए गए हैं। आरोपियों के परिजनों ने पुलिस पर 10 लाख रुपए लेने और फर्जी एनकाउंटर करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने अधिवक्ता संजीव तक्षक की अगुवाही में एसपी से मिलकर फर्जी एनकाउंटर करने के आरोप लगाते हुए मामले में उच्च स्तरीय जांच के साथ दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही करने की मांग की है। क्या कुछ मामला था? मामला ये था जी कि हमारे जो 3 बच्चे थे वो हमने नौगावा और मातनेल के बीच मिल्क प्लांट के पास से दिन में गिरफ्तार करवा दिए। गिरफ्तार करवाने के बाद रात को इन्होंने किस टाइम उस एक बंदे का गोली मार दी, सोनू उर्फ काला का। अगले दिन इन्होंने पैसे की डिमांड करी तो हमने जहाँ यहाँ वहाँ से जैसे भी बनया इकट्ठे करके 10 लाख रुपये 500 की 20 गड्डी इनको CIA थाने में दे दिए और इन्होंने बाहर रोड पान की ले गए जी। और इन्होंने जी जो गोली मार के इनकाउंटर दिखाया है पुलिस ने, जब हमने गिरफ्तार करवा दिए थे तो इन्होंने इनकाउंटर नहीं करना चाहिए था। और अब भी पुलिस हमारे ऊपर दबाव बना रही है, बार बार फोन कर रही है, तुम्हारा फिर से वो एप्लीकेशन लग गई है और जो भी है भांजे के पास भी फोन गया है और परिवार को भी फिर से परेशान करने लग गई है। तो हम अधिकारियों से ये चाहते हैं कि पुलिस हमें बार बार परेशान ना करे और हमारे न्याय मिलना चाहिए। इन्होंने जो फर्जी इनकाउंटर दिखाया है उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। नवंबर के मध्य में पिलाना से मेरे मौसी का लड़का था कुलदीप, उसकी लड़की ने प्रेम विवाह कर लिया था ऊन गांव के किसी लड़के से और उसने कुछ सामाजिक दबाव में कह लो कुछ भी मान लो उसने उस पर गोलियां चला दी थी और उसके साथ 2 और आरोपी थे। तीनों आरोपी वो फरार हो गए थे लेकिन पुलिस ने बार बार परिवार वालों को लेडीज को उठाते रहे और बूढ़े बूढ़ियों को मेरी खुद मौसी को भी उठा के ले आए जो लगभग 70-75 साल की है। तो उनके दबाव में हमारे जैसे संपर्क में आए हमने उन आरोपियों को मातनेल के पास उनको गिरफ्तार करवा दिया। ये शायद 18 तारीख की बात है और शायद 19 या 20 तारीख को मैं खुद यहाँ कुलदीप से मिलने गया, मेरी मौसी की लड़की सुनीता और मैं दोनों। तो उस टाइम पर कुलदीप से मेरी बात हुई, रमा गंदे आदमी तेने के कराया, वो उसने नीचे नाड़ कर ली, कोई वो नहीं बोला। फिर थोड़ी देर बाद बोला भाई ऐसे ऐसे करके एक को बोला रात को ले जाके गोली मार लाए और ये बलवान नैन जो वहाँ का इंचार्ज है उसके सामने मेरे को बोला है। विजेंद्र पुत्र लखीराम निवासी पिलाना तहसील जिला रोहतक है और इन्होंने एक दरखास्त दी है कि मुकदमा 209/2023 186/307/353 IPC 25/59 थाना बोंद कला में पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ और 10 लाख रुपए ऐंठने बारे एक दरखास्त दी है। कल SP मैम को दरखास्त दी थी जो आज ये दरखास्त मेरे मार्क हुई है और जिसके अंदर इन्होंने बलवान सिंह इंचार्ज AVT स्टाफ व वहीं पर एक तैनात कर्मचारी के खिलाफ ये दरखास्त दी है और जिस पर मेरे द्वारा इनके विरुद्ध डिपार्टमेंटल जांच के लिए SP मैम को लिख कर दिया गया, जिस पर SP मैम ने इन दोनों की विभागीय जांच के आदेश किए हैं तथा इन दोनों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया गया और इसमें मेरे द्वारा जांच की जा रही है और जांच के दौरान जो भी तथ्य हैं तथ्यों के आधार पर जो है कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आपने बताया कि सस्पेंड किए गए हैं 2 कर्मचारी, तो क्या इसका मतलब सम्मिलित कुछ ये मामला कहाँ तक सच है? नहीं, ये चीज़ें नहीं होती इनिशियल स्टेज के अंदर। ये तो जो है ना मैंने जो है जो इसके अंदर आरोप थे और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि इस दरखास्त के अंदर अभी जो है जांच के अंदर टाइम लगेगा तो इसलिए जो है ना ये मौजूदा यहाँ पोस्टिंग रहते हुए इस जाँच को किसी तरह से प्रभावित ना करे इसलिए मैंने लिखित में दिया जिसके आधार पर इनको है सस्पेंड किया गया दोनों को और इनकी विभागीय जांच के आदेश किए हैं।